इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच, बैटिंग फ्लॉप, लॉयन का खोप, इंदौर में टीम इंडिया की हार की रही ये पांच प्रमुख वजह। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंदौर टेस्ट मैच में धमाकेदार खेल दिखाते हुए भारत को 9 विकेट से धूल चटा दी। इस जीत के चलते ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह पक्की कर ली है। दोनों टीमों के बीच आखिरी टेस्ट मैच 9 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम को इंदौर टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से हरा दिया। रोहित ब्रिगेड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ 6 रनों का टारगेट दिया, जिसे उसे तीसरे लन से पहले ही 19 ओवर की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बना ली है। जब भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था तो मैच देखने आए फैंस को उम्मीद थी कि उनकी टीम बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब होगी, लेकिन सारे सपने टूट गए। पहली इनिंग्स तो दूर, दोनों पारियों को मिलाकर 300 रन भी नहीं बना पाई टीम इंडिया। टीम इंडिया की हार की कई वजह रही। नंबर 1, टॉप ऑर्डर फ्लॉप। भारतीय बल्लेबाज इस पूरे मैच में रन बनाने के लिए जूझते रहे। विराट कोहली, सुमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों का बुरा हाल रहा। पिछले 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन कर रहे रोहित शर्मा से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी, लेकिन वह दोनों पारियों में नाकाम रहे। नंबर 2, नाथन लायन का खोप। मुकाबले से पहले ऑफ स्पिनर नाथन लायन को लेकर भी काफी बातें कही जा रही थी। इस मुकाबले में यह देखने को मिला और लायन ने टीम इंडिया की कमर ही तोड़ रखी थी। नाथन लायन ने पहली पारी में सिर्फ 3 विकेट लिए थे, लेकिन दूसरी पारी में उनका खोप भारतीय बल्लेबाजों पर दिखा और उन्होंने कुल 8 विकेट चटकाए। लायन ने मैच में 11 विकेट हासिल किए और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। नंबर 3, पिच का भी रहा रोल। टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन में पिच का भी अहम रोल रहा। पहले ही दिन पिच पर टर्न काफी देखने को मिल रहा था और बल्लेबाज बेबस नजर आए। हालांकि पिच ऐसी भी नहीं थी कि बैटिंग ना की जा सके। उस्मान ख्वाजा, चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाजों ने अर्धशतक बनाकर दिखाया कि इस पिच पर भी बैटिंग की जा सकती है। नंबर 4, जडेजा, अश्विन और अक्षर बल्ले से फेल। नागपुर टेस्ट और दिल्ली टेस्ट में तीनों खिलाड़ियों ने अच्छी बैटिंग करके भारत को संकट से उबारने में मदद की, लेकिन इस मुकाबले में ये बल्ले से नहीं चल पाए। अश्विन और जडेजा ने गेंद से जरूर कमाल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 197 रन पर समेटने में अहम रोल निभाया। नंबर 5, अति उत्साह ले डूबा। भारतीय टीम ने दिल्ली और नागपुर में खेले गए टेस्ट में धमाकेदार जीत हासिल की और खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर था। ऐसे में ज्यादा आत्मविश्वास भी खिलाड़ियों को ले डूबा। अब 9 मार्च से शुरू हो रहे आखिरी टेस्ट को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी टीम इंडिया।